तो मैं हूँ अविनाश कुमार और आज का ब्लॉग हम अपने पुराने स्कूल पर जाकर बनाएंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। स्कूल यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। हमको यहाँ से साइकिल से जाने में लगभग 5 से 10 मिनट लगेगा, फिर पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की और वहाँ के सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो चलिए हमारे वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों यही है हमारा पुराना स्कूल, लेकिन अब थोड़ा डेकोरेशन करके इसको इसमें काम चालू हुआ है और काफ़ी अब अच्छे तरीके से बन रहा है। यहाँ पर जो है आप गाड़ी देख रहे हैं वो स्कूल की गाड़ी है और यहाँ से हम लोग आते थे पढ़ने यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे गांव के बहुत सारे लोग पढ़ते हैं आते थे, मेरे इस उम्र के बच्चे भी पढ़ने आते थे और हमारे साथ बहुत से साथी थे जो पढ़ने आते थे। और आप देख सकते हैं हम लोग कभी लेट हो जाता था तो उस आप जो देख रहे हैं उधर उस तरीके उस शॉर्टकट रोड से हम लोग आते थे। और अब तो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है स्कूल और आप देख सकते हैं कि स्कूल में अब वैन चलने लगी है। जब हम लोग पढ़ते थे तो टेम्पू चलता था। और ये पेड़ देखिए, आप इस पेड़ को देख लीजिए, ये पेड़ हम लोग जब छोटे छोटे थे तब से है ये, और ये पेड़ वो है और वो उसमें हमारे मास्टर जो है घंटी बांधते थे। जो घंटी स्कूल में बजती है जिससे छुट्टी होती है, घंटी का पता चलती है, लंच का पता चलता है, वो घंटी इस पेड़ में बांधते थे। चलिए हम उसके पास ले चलते हैं। देख सकते हैं कि यहीं पर घंटी बांधी जाती थी और यहाँ से मास्टर बजाते थे तो हम लोग को पता चलता था कि खाने का समय हो गया, कि किस घंटी का समय हो गया, इंग्लिश का कि हिंदी का, यही सब पता चलता था। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो नल लगा है, उसमें हम लोग पानी पिया करते थे। और जो आप इस टाइप की मैदान देख रहे हो उस पार, इस बॉर्डर के उस पार, तो वहाँ पर हम लोग खेलते थे, लेकिन अब तो बदल गया है। तो दोस्तों आपको हम इसके हर एक क्लास में हम आपको जाकर दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ बैठते थे, किस जगह बैठते थे और कैसी हमारी पढ़ाई होती थी। जो आप सामने उस पार देख आप लोग जो उस पार के उस पार इस बॉर्डर के इस पार देख रहे हैं वहाँ पर खेती नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब खेती होती है। जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर खेती नहीं हुआ करती थी, इस यहाँ पर घास नहीं थी, लेकिन अब घास हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई उतनी अब अच्छी नहीं होती है। जब हम लोग पढ़ते थे पढ़ाई बहुत अच्छी थी होती थी और बहुत सारे बच्चे आते थे, लेकिन अब बच्चे ना आने के कारण यहाँ पर पढ़ाई जितनी अच्छी होती थी पहले उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं वो जो आपको सामने से जो दिख रहे हैं मेरे पीछे जितने भी खेत हैं वो पहले खेत नहीं हुआ करते थे, वहाँ पर हम लोग खेलने जाया करते थे। और इस जो यहाँ पर ये गाय बांधी गई है वहाँ पर हम लोग खेलते थे, हमारा मैदान था और यहाँ पर हम लोग पढ़ते थे। यहाँ पे हमारा प्रेयर होता था सुबह सुबह, यहाँ पर प्रार्थना किया जाता था। आप लोग देख सकते हैं हमारा ब्लैक बोर्ड, इसी पर हमारे मास्टर जी पढ़ाते थे। और तो आप ये जो पीछे देख रहे हैं इसमें हमारे झंडा गाड़े थे, झंडे गाड़ कर हम फहराते थे और इंडिपेंडेंस जो दिवस होता है वो हम लोग मनाते थे। तो वो था हमारा पुराना स्कूल। अब हम चल रहे हैं अपने नए स्कूल पर।